जैसा मैंने कहा है कि कोई भी इलाके की तरक्की में उन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण पार्टिसिपेशन अगर किसी की है तो लोगों की है। मैं उम्मीद करूंगा कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के लोकल लोग मिलके एक बेहतर परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड कर पाएंगे, इलाके के पिछड़ापन जो भी है उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे, जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे, पहला कदम रखेंगे तो ज़रूर मंजिल की तरफ पहुँच जाएंगे। शुक्रिया। सक्सेसफुल हो गए हैं, मेरी उनकी गुजारिश रहेगी, उन लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि वो अपने उस पढ़े हुए स्कूल के साथ जुड़े और कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें। आप एक किताब भी कॉन्ट्रीब्यूट करें, आप अगर थोड़े ज़्यादा करना चाहते हैं तो दो टेबल कॉन्ट्रीब्यूट करें, उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो एक कंप्यूटर कॉन्ट्रीब्यूट करें, उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो एक कमरे को अडॉप्ट कर लें, और वो जो कमरे बनेंगे वो सरकारी हिसाब से उसके एस्टिमेट नहीं बनेंगे, हम उसको इस तरीके से बनवाएंगे कि लीस्ट एक्सपेंडिचर में बेस्ट पॉसिबल चीज़ बने। तो मल्टीपल फंडिंग से स्कूल कंप्लीट करना, ताकि कोई भी बच्चा, जैसे आप में से किसी ने कहा कि वो हाई स्कूल के बच्चे ग्राउंड में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़, दो ही कमरे हों पर अच्छे हों और धीरे धीरे बढ़ेंगे। वैसे भी हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें ऑनरेबल LG साहब ने कहा था कि स्कूलों को लेके एक मेजर चर्चा और मेजर सर्वे करवाना है जिसमें DC का ही रोल रहेगा, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन पूरे गांव के बच्चे को पहुंच सके, क्योंकि एक गांव से जब एक व्यक्ति पढ़ के सक्सेसफुल बनता है तो उस गांव में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसमें हमारा साथ भी देंगे, और जो हमने डिटेल्स ली है बिल्डिंग की वो हम SDMs को भेज रहे हैं ताकि वो वेरीफाई करके फोटोग्राफ्स के साथ हमें दे दें। पानी का काम जल जीवन मिशन का टारगेट डेट 31 मार्च या जून है, लेकिन 31 मार्च तक हमारी कोशिश है कि सिविल वर्क सब में ख़त्म हो जाए, जहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल काम है वो जितना जल्दी हो जाए ख़त्म करें, क्योंकि मोटरें बाहर से आनी है। तो पानी की समस्या टू अ लार्जर एक्सटेंट मुझे पूरा यकीन है ख़त्म हो जाएगी। अब रहेगी जो सबसे बड़ा मुद्दा है और जो हर व्यक्ति ने बात की, सड़क। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी सड़कें शुरू हुई 2005, 2004, 2003 और फिर कहीं ठेकेदार साहब उठे और चले गए। ये जो आपने वो सड़क, शिकारी वाली सड़क की बात, शिकारी की सड़क की बात की थी ना, जहाँ पे तुम बता रहे थे तारिक जर्जर है, शिकारी वाली सड़क है ना, मुंडा मोटू अपर जुड़ा सर 2014 में स्टार्ट। तुम कौन सी बता रहे थे जो जर्जर जिस पे काम कर रहा है? ठीलो वाली। ये सड़क पे जब मैं DC डोडा था तब मैंने वो ठेकेदार डोडा का रहने वाला था उसको उठा के भेजा था कि काम शुरू कर वापस, तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं इधर आके उससे काम कंप्लीट करवाऊंगा। उसने काफी हद तक काम कर दिया, जो थोड़ा रहेगा, मैं SDM साहब से बात कर रहा था, वो कहता है कि जो मेरा टेंडर था और उसका टेंडर बहुत साल पहले हुआ है तो वो करवाएंगे। कुछ जगहों पे हमने, जैसे एक सड़क महोर में थी, उसमें हमने SDM साहब को लिखा था कि इसके खिलाफ FIR कटवाइए। अब वो ठेकेदार आया है राजेश, PMJSOI में आ गया है अभी, अगर वो काम नहीं करेगा तो यू विल हैव टू टेक लीगल एक्शन, यू विल हैव टू लॉज एन FIR फॉर डिस्टर्बिंग द मूवमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि उसने पैसे लिए हैं ना सड़क बनाने के, पैसे दे रहे हैं ना सड़क बनाने के लिए, मुफ्त में तो कोई कर नहीं रहा है। दूसरा, जहां जहां सर्वे नहीं हुए वहां वहां सर्वे करवा रहे हैं। DPRs भी बनेंगी, हमने एक DPR तारिक साहब रोड का नाम मुझे फिर भूल गया, I'm bad at remembering, लार्नी टू बल्लर, उसका भी DPR बनाया है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अगर 30 किलोमीटर वाला पैदल चल रहा है और 1 किलोमीटर वाला पैदल चल रहा है तो प्रायोरिटी 30 किलोमीटर वाले, 1 किलोमीटर का भी जो होगा वो भी बनाएंगे। PMGSY में बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर हमारा गांव ऊपर रह गया नीचे रह गया, PMGSY का एक नॉर्म है और नॉर्म ये कहता है कि शायद 1 किलोमीटर ऊपर और 1 किलोमीटर नीचे। AW साहब यही है ना, 1 किलोमीटर कितना है, 1.5 किलोमीटर इधर साइड ऑफ द रोड,
इट इज कंसिडर्ड टू बी कनेक्टेड। तो वो थोड़ा सा ये पीएमजीएसवाई की सड़क आपको पता है, मैं एक बार पीएमजीएसवाई वालों को बोल रहा था कि ये बड़ी मेहनत का काम है जहां जहां पीएमजीएसवाई ने सड़क पहुंचाई है, मुश्किल। और जितनी रोड ये ब्लैक टॉपिंग होनी है, और इस साल मुझे उम्मीद है कि फेज फोर में हमारी मैक्सिमम सारी सड़कें कवर हो जाएगी, तभी मैंने इनको पीएमजीएसवाई को आपकी सड़क का सर्वे कहा है। लेकिन थोड़ा सा साथ आपको देना पड़ेगा दो चीजों में, एक जब सर्वे करने आए तो साथ चलिए, दूसरा जो एक बारी सर्वे हो जाए फिर उसमें झगड़ा ना पड़े, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आप जमीन दीजिए। जमीन आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगी, नहीं तो हमारे पास कंपनसेशन के पैसे नहीं आते हैं। हम आपकी सड़क 8 किलोमीटर बनाते हैं, फिर एक आदमी मेरे जैसा खड़ा हो जाता, बोलता मैं नहीं जाने दूंगा इसके आगे। क्यों? क्योंकि मेरे घर तक सड़क अब पहुंच गई, मुझे क्या लेना देना आगे वाले को। तो मैं श्योर करता हूं आप लोगों के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू, अगर कोई व्यक्ति सड़क बंद करेगा तो उसके घर तक सड़क नहीं पहुंचेगी। मैं बंद करवा दूंगा उसके घर की भी सड़क जो सड़क को रोकेगा। आप बेवकूफ नहीं बना सकते सिस्टम को। ये कौन सी बात हुई कि जब मेरे पहले वाले सारे लोग जमीन दे दे, मेरे बाद वाले भी दे, मैं नहीं दूंगा। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जमीन, एक अच्छा सर्वे और अपने लोगों के साथ मिलके, जैसे पंचायत होती है उसमें तय करके लिखित रूप में कागज दे दें कि भाई हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर ये सड़क मेरी जमीन में इतनी निकले, और जितनी आपकी जमीन ली जाएगी वही काटी जाएगी, कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। तो ये 4 मेन मुद्दे थे, राशन का मुद्दा, CDPO का मुद्दा जो बुद्धन वाले लोग ब्राह्मण के साथ जुड़े हैं उनका मुद्दा हम उठाएंगे, मुझे ये नहीं पता था कि CAPD भी उधर से जुड़ा हुआ है, वो कोशिश करेंगे कि हमारे पास हो ताकि कंट्रोल भी हमारा, ऐसे मुझे DC रामन से बात करनी पड़ेगी, तो वो हमारे पास रहेंगे तो हमारा कंट्रोल रहेगा। एक शीप और PD भी उधर से जुड़ा हुआ है, वो कोशिश करेंगे कि हमारे पास हो ताकि कंट्रोल भी हमारा, ऐसे मुझे DC रामन से बात करनी पड़ेगी, तो वो हमारे पास रहेंगे तो हमारा कंट्रोल रहेगा। एक शीप और एनिमल हस्बेंड्री की हमारे एक साथी ने बात की थी, तो मैंने दोनों को कह दिया है। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी भी, कोई भी इलाके की तरक्की में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो इलाके के लोगों का है। मैं 2 साल रहूंगा, 1 साल रहूंगा, चला जाऊंगा, जितनी मेरी हिम्मत होगी, जितनी मेरी कोशिश होगी मैं करूंगा, लेकिन आप लोगों का लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, आप लोगों की लॉन्ग टर्म तरक्की है। सड़क आएगी तो आप, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे बेहतर जीवन जी पाएंगे। हेल्थ जो मेरे से रह गया, हमारे पास डॉक्टरों की अभी कमी है, बहुत जगह हम डॉक्टर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन CMO साहब ने एक अच्छी चीज़ शुरू की है जहां पे ये कैंप्स लगा रहे हैं, डॉक्टर्स भेज रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स से भी टाई अप किया है जहां पे हम स्पेशल कैंप लगाएंगे ताकि माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान सब एक बारी चेकअप हो जाए, पता लग जाए कि कहाँ पे किसी को कोई ज़रूरत है। तो CMO साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपने ये कैंप्स रेगुलर करवाइए ताकि हम इंश्योर कर सके कि वी हैव अ हेल्थी डिस्ट्रिक्ट, और लोगों को जो दवाइयाँ फराहम की जा सकती हैं वो करें। 2 चीज़ें और हैं, अनास मोहर मुझे लगता है ड्रग्स के नक्शे पे नहीं है, जो बड़ी मुबारक की बात है, नहीं तो आज ये एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे नौजवानों को है। है तो जो है तो फिर उन बच्चों के कान पकड़ के सेट कर दीजिए। हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अगर किसी को नशे की लत लग गई है किसी बच्चे को, हम उसका इलाज कराएंगे, उसको ठीक करेंगे, और उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं की जाएगी कि उसका जीवन खराब हो। लेकिन क्योंकि आप ही लोग जानते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो गांव में, मोहल्ले में कोई चीज़ लेके आता है जिससे नुकसान हो रहा है, तो आपको अगर किसी से बात करने में डर लगता है तो आप एक मैसेज डाल दीजिए चुप चुपी से मेरे फ़ोन पे, या SSP के फ़ोन पे, या SP के फ़ोन पे, या SDM साहब के फ़ोन पे, कि ये व्यक्ति जब आता है परेशानी होती है,
मैं अश्योर करता हूँ उसको इस तरीके की सजा दी जाएगी कि वो याद रखेगा। जो गलत है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, जो बच्चे हमारे खराब हो चुके हैं किसी भी वजह से उनको ठीक करने में आप हमें अपने साथ पाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातें रखी, मेरी बातें सुनी। कोशिश करेंगे कि अगले दरबार में जब हम आए, जब हम आपसे मिले, जब ब्लॉक दिवस हो, तो कुछ बातों के मसले ज़रूर हल हो गए हों। इनकी तरह ये ना कहे कि भाई हर बार ही आते हैं सुनाते हैं और फिर चले।